गुड मॉर्निंग प्रेज द लॉर्ड सबको गुड मॉर्निंग जय मसीह की टुडे इज अ स्पेशल संडे फॉर ऑल द फादर्स आज सारे पिताओं के लिए फादर्स के लिए एक बहुत ही खास रविवार है इट्स अ फादर्स डे ये फादर्स डे का दिन है एंड आई विश यू ऑल द फादर्स अ वेरी हैप्पी फादर्स डे मैं सारे पिताओं को सारे फादर्स को हैप्पी फादर्स डे बोलता हूं बधाई देता हूं And the word of God says in 2 Corinthians chapter 6:18. परमेश्वर का वचन दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 के 18 पद में कहता है. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटियां और बेटे और बेटियां होंगे और सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का यही वचन. You know we are very much privileged that our God is our heavenly Father. हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करते हैं बहुत सौभाग्यशाली हैं क्योंकि हमारा जो पिता है वो स्वर्गीय पिता है And he is a great father. और वो महान पिता है He takes care of us very well. वो हमारा ध्यान रखता है हमारा ख्याल रखता And है he provides all our needs. वो हमारी हर जरूरतों को पूरा करता है Now let's give thanks to our heavenly father and as well as to all the physical fathers. आई इस समय ये बहुत धन्यवाद देने का दिल है मन है कि हम अपने स्वर्गीय पिता को धन्यवाद करें उसके साथ साथ जो हमारे संसारिक पिता भी इस दुनिया में है उनके लिए भी प्रार्थना करें उनके लिए pray for all our physical father. आइए जितने भी हमारे पिता हैं इस दुनिया में आपके फादर हैं हमारे फादर हैं हम उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करें we are also father, some of us. हम में से भी कुछ जो देख रहे हैं वो भी आप भी पिता होंगे And, let's pray. आइए दुआ करें Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, my God. स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं थैंक यू फॉर मेकिंग अस योर ओन सन्स एंड डॉटर्स थ्रू जीसस क्राइस्ट स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपने हमें अपनी बेटियां और बेटे बना लिया एंड ओ लॉर्ड माय गॉड वी थैंक यू फॉर ऑल You have done for us. स्वर्गीय पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आपने हमारे लिए किया है उन सारी बातों के लिए You are our creator. आप हमारे रचनाकार You have provided all our needs. आपने हमारी हर जरूरतों को पूरा किया You are great loving father. और आप कितने प्रेमी परमेश्वर हैं And we thank you. हम आपका धन्यवाद करते हैं As well as we thank you, Lord my God, for our physical fathers too. परमेश्वर हम अपने संसारिक पिता के लिए भी आज प्रार्थना करते हैं थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर ब्रिंगिंग देम इनटू आवर लाइफ प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें उनकी जिंदगी में भेजा एंड लॉर्ड राइट नाउ आई प्रे फॉर ऑल द फादर्स पिता परमेश्वर इस समय मैं सब पिताओं के लिए जो देख रहे हैं दुआ करता हूं गिव योर माइटी हैंड अपॉन देम अपना सर्वशक्तिमान अपना बड़ा हाथ उनके ऊपर रखे और उन्हें आशीषित करें सो दैट दे वुड बी एबल टू फुलफिल देयर ड्यूटीज rejoicing in the Lord. ताकि वो अपने जीवन में जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं, जो काम उनको मिले हैं करने के लिए प्रभु वो बहुत खुशी-खुशी उन सारे कामों को करें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Now let's go to the Word of God. आइए इस समय प्रभु के वचन में जाएंगे। Matthew chapter 4:4. मत्ती अध्याय 4 उसके 4 पद में। It says, Jesus answered, "It is written, man shall not live on bread alone, but on every word." That comes from the mouth of God. यहाँ पे लिखा है यीशु ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा And this morning I'll be talking about a very important topic. Man does not live by bread alone. आज की सुबह मेरा जो शीर्षक है जो मैं खास बात आज आपसे करूंगा वो है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। You know, a few months ago I was traveling to Hyderabad. कुछ ही महीने पहले की बात है मैं अपने किसी दोस्तों के साथ हैदराबाद की जा रहा था और जो एयरपोर्ट पे मैं अपनी फ्लाइट बोर्ड करने का इंतजार कर रहा था While I was waiting, I thought to use my time and I entered into a bookstore there. और जब मैं इंतजार कर रहा था अपनी फ्लाइट का तो वहाँ पे इंतजार करते करते मुझे मैं एक बुक स्टोर में चला गया Man does not live by bread alone. वहाँ पर मैंने एक किताब देखी उसमें लिखा था उसका जो टाइटल था वो था कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं The रहता है title caught my eyes. जब वो टाइटल मैंने पढ़ा वो शीर्षक मैंने उस किताब पे पढ़ा उस जो कि वो शीर्षक बड़ा ही आकर्षित था उसने मेरी आंखों को आकर्षित किया And I remembered Jesus words. और मैं उसी समय मुझे प्रभु यीशु के ये वचन उस समय याद आए When I opened it, I thought that this is not a biblical book, but just a secular, book.
जब मैंने उसको खोला, उसका कंटेंट मैंने देखा, तो वो ऐसा था कि उसमें कोई भी बिब्लिकल रेफरेंस नहीं था, बाइबल का कोई वचन नहीं था उसमें। After a couple of minutes, I left that shop and went towards my flight. और कुछ ही मिनटों के बाद मैं अपने उस दुकान से निकल गया और अपनी फ्लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। But I was thinking on that title, on that statement that man does not live by bread alone. लेकिन जब भी मैं यात्रा में भी था, मैं जर्नी भी कर रहा था, तो ये बार बार ये टाइटल जो था मुझे स्मरण आ रहा था, और जो कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है। So I was thinking, what else does a man live on? फिर मैं सोचने लगा कि ऐसी कौन सी और चीजें हैं जिसके ऊपर मनुष्य निर्भर रहता है, Actually, जिसके Jesus quoted from the Old Testament. यीशु मसीह ने इस वचन को कोट किया था, इस वचन को लिया था उन्होंने पुराने नियम में से, बाइबल से। When he was being tempted by Satan, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी शैतान के द्वारा जंगल में उस समय, and then the same words we find in Deuteronomy chapter 8:3. और यही जो वचन यहाँ लिखा है उसे हम व्यवस्था विवरण में पढ़ते हैं, आठ के तीन पद में पढ़ते हैं। Man shall not live by bread alone, but lives by every word that comes from the mouth of the Lord. उसमें भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता है, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उससे वो जीवित रहता है। Bread stands for all the material things are necessary pertaining to our life. ब्रेड का मतलब होता है, रोटी का मतलब ये होता है, ये बहुत ही हमारे जीवन की खास एक जरूरत होती है, और सारी चीजों के लिए काम लोग इसीलिए कर रहे हैं, रोटी के लिए काम करते हैं। That means food. Bread means food. रोटी का मतलब और होता है खाना, जिसे बोलते हैं हम। And also shelter, cloth, wages and all the other things. इस रोटी में सारी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है। And the bread represents livelihood, the things which we need. And which are not evil in themselves. रोटी का मतलब ये भी होता है जो जरूरतें, जो चीजें हमें चाहिए, जो अपने आप में दुष्ट चीजें नहीं है, खराब चीजें नहीं है, उसे भी रोटी कहा जाता है। But many people live only for the things of this life. They live on bread alone. लेकिन कुछ लोग सिर्फ इस दुनिया की मटेरियल चीजों के लिए जीते हैं, दुनिया की कुछ और भौतिक चीजों के लिए लोग जीते हैं। But Jesus taught us to pray. लेकिन यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना करना सिखाया। He was This day our daily bread. यीशु ने ये प्रार्थना करना सिखाया कि हे पिता, प्रतिदिन की रोटी हमें आज दे। But he also taught before that, let your kingdom come and your will be done. लेकिन उन्होंने उससे पहले कहा, तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे। And so we are to focus first on God's interests, praying for His will to be done. इसीलिए हमें सबसे प्राथमिकता देनी है, फोकस किस चीज पे करना है, वो ये है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की मर्जी पूरी हो, हमारे जीवन से उसकी इच्छा पूरी हो। इफ यू फोकस ओनली ऑन ब्रेड, देन यू हैव नो लाइफ। अगर आप सिर्फ रोटी के पीछे भागते हैं तो आप में जीवन नहीं है। That means we are living in the wilderness. इसका मतलब ये है कि आप जंगल में जी रहे हैं। Like the Israelites, they were living in the wilderness and daily they were craving for bread and manna. And for meat. और जैसे कि हम इसराइलियों के बारे में भी पढ़ते हैं कि वो लोग जंगल में थे उस समय अपनी यात्रा में, और प्रतिदिन उन्हें उस रोटी को जो मन्ना कहलाता था स्वर्ग से उतरती थी, और वो लोग उस रोटी They were focused only on their personal needs for 40 years. 40 years यानी 40 वर्ष तक वो सिर्फ व्यक्तिगत जरूरतों को ही देखते रहे कि हमें क्या चाहिए, हमें रोटी चाहिए, ये सब उन्हीं चीजों के बारे में। But God wanted them to move on. लेकिन परमेश्वर उनसे ये नहीं चाहता था, परमेश्वर ये चाहता था कि वो उस यात्रा में आगे बढ़ने पाए। Because God had prepared for them a promised land. क्योंकि परमेश्वर ने उनके लिए एक वाचा का देश जो ठहराया था, उनके लिए रखा हुआ था। A land of milk and honey and fruits with all the other provisions. एक ऐसा जगह, एक ऐसा देश जहाँ पे दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जो हमेशा हमेशा के लिए उनके लिए आशीष का कारण बन सकता है, ऐसी जगह प्रभु ने। God had also kept for us promised land. इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए भी एक प्रॉमिस लैंड रखा है, हमारे लिए भी एक वाचा का देश। इसीलिए हमें रोटी से ऊपर भी कुछ सोचना है कि रोटी के ऊपर भी कुछ चीजें हैं। Now I will tell you about five other things man lives on. आज मैं आपको पांच ऐसी चीजें बताऊंगा जो मनुष्य जिसके लिए जीते हैं, जिसके लिए काम करते हैं। First of all, the word of God. सबसे पहला है कि परमेश्वर का वचन। Man lives on not only on bread but also on the word of God. परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता है, लेकिन परमेश्वर के वचन से वो जीवित रहता है, वचन से। Our human life has three dimensions. हमारे जो मनुष्य है उसके जीने के तीन dimensions होते हैं, तीन आयाम होते हैं। Physical life. एक शारीरिक जीवन होता है। Mental life.
मानसिक जिंदगी होती है और आत्मिक जीवन होता है. For spiritual life, everybody needs the vital spiritual food, that is the word of God. और आत्मिक जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है आत्मिक भोजन, यानी कि परमेश्वर का वचन जरूरत होता है. The word of God gives life and nourishment to our spirits. परमेश्वर का जो वचन है वो हमारी आत्मा का भोजन है और हमारी आत्मा को नरिश करता है, नरिशमेंट देता है. Ezekiel chapter 3:3 says, Then he said to me, Son of man, eat this scroll I am giving you, and fill your stomach with it. So I ate it, and it tasted as sweet as honey in my mouth. यही इसके अध्याय 3 उसके 3 में लिखा है. तब परमेश्वर ने कहा, हे मनुष्य की संतान, कि इस स्क्रॉल को, यानी इस जो पुस्तक को तू खा ले. और उसने खा लिया, और जब उसने खाया तो वो वो पुस्तक उसे मधु से भी मीठी मालूम पड़ी. हालेलुया. Eating here does not mean literally eating the book, but a studying, meditating and practicing the word of God. खाने का मतलब ये है, किताब को खाने का ये मतलब नहीं है कि आप सचमुच में कोई किताब खा लें और उससे पेट भर लें, ऐसा नहीं लिखा है. लेकिन लिखा गया है कि क्या खाना है, परमेश्वर का वचन खाना है. And we need to study and meditating and practicing the word of God. हमें प्रतिदिन बाइबल पढ़नी है, प्रभु का वचन पढ़ना है और मनन भी करना है बाइबल पे, और मनन करना है और इसके अनुसार चलना. And it releases life-giving power to our souls. और जो वचन जब हम पढ़ते हैं और इसको मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं, तो परमेश्वर के वचन से एक जिंदगी निकलती है, एक जीवन निकलता है. John chapter 6:51 says. यूहन्ना अध्याय 6:51 पद में लिखा हुआ है. Jesus Christ said, I am the living bread that come down from heaven. Whoever eats this bread will live forever. This bread is my flesh, which I will give you for the life of the world. यीशु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई मैं जीवन की रोटी हूँ, जो स्वर्ग से उतरी हूँ. ये रोटी जो हमेशा तक जीवित रहती है और मनुष्यों को जीवन देती है. हालेलुया. We receive spiritual life by believing in Jesus Christ. हमें आत्मिक जिंदगी मिलती है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. And sharing in his redemptive work on the cross. और यीशु मसीह का जो छुटकारे का काम जो उन्होंने क्रूस पे किया है, उस काम के ऊपर विश्वास करते हैं. We continue to have life when we remain in Jesus Christ and we remain in his word. जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं और उसके वचन में बने रहते हैं तो हमारे जीवन से फल आता है. Those who feed on the word of God, they develop a strong spiritual life actually. जो लोग परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, उनका आत्मिक जीवन बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही जीवंत होता है. And they remain standing very strong in their ground, in all storms and in all situations. वो अपने ग्राउंड पे, अपनी उस जगह पे वो खड़े रहते हैं, चाहे जीवन में कितने भी आंधी और कितने भी तूफान आ जाएं, वो लोग वहां से हिलते नहीं है, जो प्रभु के वचन पे खड़े हैं. Psalms chapter 1:2-3 says, But whose delight is in the law of the Lord, and who meditates on his law day and night, that person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither, whatever they do, they prosper. भजन संहिता 1:1 में लिखा है कि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे रात दिन मनन करता है, और उस यहाँ पे हम मैं पढ़ देती हूँ, यहाँ लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए वह पुरुष जो कुछ भी करेगा वह सफल होता है. बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जिसका नाम एज्रा है. वो इसी तरह का व्यक्ति था. इस जो ये वचन हमने पढ़े, इसी तरह का वो व्यक्ति था. He was a great scholar of the word. वो वचन का बहुत बड़ा शास्त्री था, वचन को बहुत अच्छे से जानता था, और वो वचन को बहुत पहले से ही बहुत अच्छे से स्टडी करके, अध्ययन करके बहुत अच्छे से जानता था. Yet he had dedicated himself to the study of the word of God regularly. लेकिन तब भी, जानने के बावजूद भी, एज्रा ने अपने जीवन को प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने में लगाया. That's why he was able to lead the Jews in rebuilding the temple in Jerusalem. इसीलिए एज्रा ने यरूशलेम की जो शहरपनाह थी वहां पर भी मंदिर को बनाने में मदद किया, क्योंकि वो परमेश्वर का डर. There was very hostile environment. क्योंकि वहां का जो माहौल था बहुत ही बेकार और बहुत खराब वहां का वातावरण था. But still he was able to fulfill and rebuilding the temple of God because of the power he was receiving from the word.
इसी क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा जो सामर्थ उनको मिलती थी, जो सामर्थ से वो भरे हुए थे, उसी चीज ने उनकी मदद की कि यरूशलेम के उस मंदिर को वो जो रीबिल्ट हुआ था उसे बनाने में वो करने For Ezra had devoted himself to the study and observance of the law of the Lord and to teaching its decrees and laws in Israel. यहाँ लिखा हुआ है इज़रा अध्याय 7 के 10 में, क्योंकि इज़रा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और व्यवस्था इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया। So very first thing that the man lives on, that is the word of God. सबसे पहली चीज जिससे मनुष्य जीवित रहता है वो है परमेश्वर का वचन। Another thing by which man lives is fellowship. दूसरी चीज जिसके जिसके लिए मनुष्य जीता है वो है संगति। संगति के द्वारा जीवित रहता है। That's a fellowship with God and fellowship with others. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ संगति रखना और दूसरे लोगों के साथ संगति रखना। Because we have love inside of us and you know love cannot live alone. हमारे अंदर जो प्रेम है जो परमेश्वर ने डाला है और ये प्रेम कभी भी अकेला रहना नहीं चाहता है या रह नहीं सकता है। When you have love inside, you will not be able to live alone. जब आपके अंदर प्रेम है तो आप अकेले नहीं रह सकते। Because God is love and that's why he created us. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें बनाया, हमारी सृष्टि की है। To live with us, to have fellowship with us. ताकि परमेश्वर हमारे साथ जी सके, हमारे साथ संगति कर सके। Genesis, God said, it is not good for man to be alone. उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा ये मनुष्य के लिए अच्छा, मनुष्य के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं। So God created a woman for him. इसीलिए परमेश्वर ने आदम के लिए एक स्त्री को बनाया। Hallelujah. Hallelujah. Further in Ecclesiastes 4, 9, 10 says, हम लोग सबोपदेशक अध्याय 4 के 9 और 10 पद में भी पढ़ते हैं। Two are better than one. इसमें लिखा है कि एक से भले दो होते हैं। Because they have good return for their labor. क्योंकि उनके परिश्रम का उनको अच्छा फल मिलता है। Either of them they fall down, one can help the other up. क्योंकि यदि उनमें से एक गिर जाता है तो दूसरा उसे उठा देता है। You know when Jesus was sending his disciples out for preaching the gospel. He was sending them two by two. जब यीशु मसीह ने भी अपने चेलों को सेवकाई करने के लिए भेजा, उन्होंने भी अपने चेलों को अकेले अकेले नहीं भेजा, लेकिन उन्होंने दो-दो करके अपने चेलों को भेजा। He did not send them alone. यीशु मसीह ने अपने चेलों को अकेले अकेले नहीं भेजा। He sent them two by two. लेकिन यीशु मसीह ने भी दो-दो चेलों को एक साथ भेजा। Later on, when Jesus left, he sent another helper, the Holy Spirit, to be with us. And to be inside of us. हम लोग पढ़ते हैं बाइबल में, देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए, उनका स्वर्गारोहण हो गया, तब भी यीशु मसीह ने अपने चेलों को अकेला नहीं छोड़ा, विश्वासियों को अकेला नहीं छोड़ा, एक और सहायक भेजा, पवित्र आत्मा सहायक के। Further on the day of Pentecost, when the church was established, the believers devoted themselves also for the fellowship. जब हम बाद में देखते हैं प्रेरितों के काम में देखते हैं, जब कलीसिया की स्थापना हुई, जब कलीसिया बन रही थी, तो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान उंडेला और इसी तरह से विश्वासियों की संगति आगे बढ़ने लगी। हालेलुया। अदर डे माय सन ज़ायन वाज़ टेलिंग मी दैट इन सम ऑफ द आर्मीज कंपनीज देयर इज बडी सिस्टम। और एक दिन मेरा बेटा ज़ायन मुझे बता रहा था कि जो आर्मी के का जो सिस्टम होता है, आर्मी का जो एक नियम होता है, वो होता है बडी सिस्टम होता है वहाँ पे। In which a soldier is assigned with another soldier as buddy. और जहाँ वहाँ पर ऐसा होता है कि एक सैनिक जो होता है, एक सोल्जियर होता है, उसका एक दूसरा सोल्जियर मित्र बना दिया जाता है, उनको बडी कहा जाता है। And they assist each other in the battleground and in the base camp as well. और ये दोनों मिलकर के उस युद्ध के मैदान में एक दूसरे को असिस्ट करते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सहायता करते हैं। We need to understand the value of the buddy or the friend. हम लोगों को एक मित्र का वैल्यू समझना चाहिए, मूल्य समझना चाहिए, एक बडी का मूल्य समझना चाहिए कि क्या होता है। King Saul did not understand the value of buddy. जो राजा शाऊल थे, उसने इस बडी सिस्टम को या बडी एक जो नियम था वो नहीं समझ पाए। He was running after to kill his own buddy David. और हम देखते हैं शाऊल, जो राजा शाऊल थे, वो अपने बड़ी को, जो दाऊद था, उसे मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे। So everybody needs to have some friends and fellowship for a healthy emotional life. इसीलिए हम में से हर एक को जरूरत है कि हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहने के लिए हमें भी किसी ना किसी मित्र की, किसी ना किसी दोस्त की जरूरत पड़ती है। Those who do not follow this rule, they become emotionally sick.
और जो लोग इस नियम को पालन नहीं करते हैं वो लोग भावनात्मक रूप से इमोशनली वेरी वीक हो जाते हैं, बहुत कमजोर पड़ जाते हैं, फॉल इनटू डिप्रेशन, और अकेले रहने की वजह से, लोनलीनेस की वजह से वो लोग डिप्रेशन में, उदासी में चले जाते हैं, एंड बिकम विक्टिम्स ऑफ डीमंस, और वहां पर वो शिकार बन जाते हैं, दुष्ट आत्माओं के शिकार बन जाते हैं, डीमंस कम टू लिव विद देम, और दुष्ट आत्माएं आ जाती हैं उनके साथ रहने के लिए, एंड अगेन दे लीड देम टू सुसाइड, और अंतिम में क्या होता है कि वो जो दुष्ट आत्माएं हैं उनसे बुरे काम करवाने लगती हैं, पाप भरे काम कराने लगती हैं, और अंतिम में वो जान तक भी ले लेती हैं दुष्ट आत्माएं। So develop some good spiritual friends to take care of your life. इसीलिए आप अपने लिए आत्मिक मित्रों को ढूंढें कि आपके अगल बगल एक आत्मिक दोस्त हो, आत्मिक संगति हो। Fellowship for your life. आपको क्योंकि अपने जीवन के लिए संगति की जरूरत है, fellowship of God, आपको परमेश्वर की फेलोशिप या संगति की जरूरत है, और आपको बाकी लोगों की भी जो आपके अगल बगल विश्वासी हैं उनकी भी संगति की जरूरत है। So the third thing, तीसरी बात, another thing by which man live is encouragement. और जो तीसरी बात है जिससे मनुष्य जीवित रहता है वो है उत्साह भरे वचन, या उत्साहित करना लोगों को, encouragement करना। Proverbs chapter 16:24 says, नीति वचन अध्याय 16 के 24 पर में लिखा है, gracious words are a honeycomb, sweet to the soul and healing to the bones. 16 के 24 पद में पढ़ देते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, मन भावने वचन मधु भरे छत्ते के समान प्राणों को मीठे लगते और हड्डियों को हरा भरा करते हैं। हालेलुया। Encouraging words brings us life into us. यदि कोई हमें उत्साह बढ़ाता है, हमें कोई एनकरेज करता है, इसका मतलब ये है कि वो हमारे शरीर में एक जिंदगी को लाता है, एक जीवन को लेकर आता है। Gracious words, या मन भावने वचन, pleasant words, मीठे वचन, सुंदर वचन, and encouraging words are vital elements to our mental life. उत्साहवर्धक वचन जो होते हैं वो हमारे इमोशनल लाइफ के लिए बहुत जरूरी होते हैं, and we can easily cross the valley of darkness. और यदि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें उत्साह बढ़ाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ हम लोग एक वैली का, जो घाटी की अगर परिस्थितियां हमारी जिंदगी में टफ हालात भी आते हैं, उन हालातों में भी हम सेफली बाहर निकल, we can easily cross many kinds of trials when we if there are people to encourage us. और हम लोग बहुत सारे टेम्पटेशन या ट्रायल्स से, मुश्किलों से, मुश्किलों के दौर से भी आराम से बाहर आ सकते हैं यदि हमारे पास ऐसे दोस्त, ऐसे मित्र हैं जो हमारा उत्साह बढ़ाते हैं। That's why you see in the games that the players are continually cheered up by other people. By the audience to perform better. इसीलिए आप देखते हैं कि खेल के मैदान में चीयर लीडर्स होते हैं जो प्लेयर्स को, यानी कि खेल में जो खिलाड़ी होते हैं उनको चीयर करते हैं, उनका उत्साह बढ़ाते हैं, चिल्ला चिल्ला कर उत्साह बढ़ाते हैं ताकि वो लोग उस मैदान में जीत के बाहर। And certainly the fourth thing that man lives on bread also. और चौथी बात तो यही है कि मनुष्य रोटी से भी जीवित रहता है। Of course we need bread or other foods for our physical life. सचमुच ये बात सच्ची बात है कि हमें अपने फिजिकल लाइफ के लिए, अपने शारीरिक जिंदगी के लिए रोटी की तो जरूरत है। Once David was running away because of the fear of Saul. एक बार जो दाऊद था वो शाऊल राजा के डर से भाग रहा था। And Saul wanted to kill him. शाऊल उसे मारना चाहता था। On the way he was very hungry. और जब दाऊद रास्ते से जा रहा था भागता हुआ छुपने के लिए, तो वो उसे बहुत भूख लगी। And he met a priest there. वहाँ पर उन्हें एक याजक मिले। So he asked him to provide for him some bread. और उसने याजक से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ रोटियाँ दे। First Samuel chapter 21 we see, he said, give me 5 loaves of bread or whatever you can find. पहला सैमुएल अध्याय 25 में पढ़ते हैं, 21 में पढ़ते हैं हम लोग, पहला सैमुएल अध्याय 21 जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। And, but the priest answered David, I don't have any ordinary bread on hand. However, there is some consecrated bread. याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे तेरे जवान स्त्रियों से अलग हो। इसीलिए दाऊद ने उस याजक के हाथ से उन पवित्र रोटियों को लिया और खा लिया। In the New Testament, in Matthew 14, we see that Jesus recognized the need of bread for the people. नए नियम में भी हम देखते हैं, मत्ती अध्याय 14 में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को भी अपने लोगों की जरूरतों को पता चला कि इन्हें रोटी की जरूरत है। And he fed them from the 5 loaves of bread and 2 fish
big crowd of 5,000 हम लोग देखते हैं बाइबल में यीशु मसीह ने पांच रोटियों से और दो मछलियों से बड़ी सी भीड़ को खिला दिया। So suddenly we also need bread for our physical life. हमें अपने शरीर के लिए रोटी की भी जरूरत है। Number fifth thing. चौथी पांचवी बात। The fifth thing that man lived on is doing the will of God. और पांचवी बात ये है कि मनुष्य को परमेश्वर की इच्छा पे चलना है, परमेश्वर की इच्छा को भी पूरा करने से जीवित रहते हैं लोग। And finishing the given task. और उन्हें जो काम सौंपा गया है, परमेश्वर ने जो काम करने के लिए बोला है, जब वो लोग परमेश्वर के काम को पूरा करते हैं तो वो उससे भी जीवित रहते हैं। John chapter 4:34 says. मत्ती अध्याय 4 के 34 में लिखा है। My food said Jesus. सॉरी यूहन्ना अध्याय 4 के 34 में। My food said Jesus is to do the will of him who sent me and to finish his work. और यीशु ने कहा कि मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। You know, Jesus' food was to do the will of God. आपको पता है यीशु मसीह का क्या काम था? उनका काम ये था। यीशु मसीह की रोटी क्या थी? उनका भोजन क्या था? कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। And we need to eat the same food, but Jesus ate. इसीलिए हमें भी वही भोजन करने की जरूरत है जो यीशु मसीह ने भोजन किया। When we fulfill God's will and purpose from our life, जब हम अपनी जिंदगी से परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करते हैं, we have peace and satisfaction in our life. तो हमारे जीवन में एक शांति और परमेश्वर का एक संतुष्टि जो आता है प्रभु की तरफ से। Jesus further said. तब आगे भी बढ़कर यीशु ने ऐसा कहा। Look at the fields. यीशु ने कहा इन खेतों को देखो, इन पके हुए खेतों को देखो। They are ripe for the harvest. उन्होंने कहा कि ये खेत पक चुके हैं, कटाई के लिए तैयार हैं। And I am sending you to reap the harvest and finish your task. और यीशु ने अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें इन खेतों में भेज रहा हूँ ताकि तुम इन खेतों में जाके कटनी करो, काम करो। You know, in these last days, people are open to hear the gospel. आपको पता है ये बहुत अंतिम दिन है और इन अंतिम दिनों में लोग बड़े प्यासे हैं, बहुत भूखे हैं कि परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। Great opportunity. और ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य और बहुत बड़ी opportunity, मतलब एक अवसर है हमारे लिए। Reach them with the gospel to finish God's task. कि हमें उन लोगों तक पहुंच जाना है जो लोग तैयार हैं सुनने के लिए, ताकि हम परमेश्वर के दिए हुए काम को पूरा कर सके। So the fifth thing by which a man live on. That is to do the will of God. इसलिए पांचवी बात ये है कि मनुष्य उस चीज से जीवित रहता है, यानी कि परमेश्वर की दी हुई इच्छा से, परमेश्वर ने जो आपको काम दिया है उसको करने के द्वारा भी जिंदा रहता है। And at last I want to say that we do not just live on bread. अंतिम में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि हम सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहते हैं। We also need some other vital things for our life. लेकिन उसे जीने के लिए हमें बहुत बड़ी जरूरतें, जो सबसे मुख्य जरूरतें हैं, उन चीजों की भी जरूरत है। We need the word of God for our life. हमें परमेश्वर के वचन की जरूरत है अपने जीवन। We also live on fellowship. हमें संगति की जरूरत है, दूसरे लोगों की हमें जरूरत है। We live on the fellowship of God and in the fellowship of with others. हमें परमेश्वर की संगति की जरूरत है और मनुष्यों की भी संगति की जरूरत है। Encouragement brings life to us. और encouragement की जरूरत है, हमें उत्साह वर्धक वचनों की जरूरत है, उत्साह बढ़ाने वाले लोगों की जरूरत है। And the other food is doing the will of God and finishing the given task. और एक भोजन वो भी है कि हमें परमेश्वर की दी हुई इच्छा पर और उसके दिए हुए काम को पूरा करना है। So let's have today's Father's Day. आज तो एक पिताओं का दिन है, यानी कि Father's Day है। And it is also Heavenly Father's Day. और ये तो हमारे स्वर्गीय पिता का भी दिन है। If you do not have Heavenly Father, God as your heavenly father, right now you can receive him. अगर आपके जीवन में स्वर्गीय पिता नहीं आए हैं, तो आज ही वो दिन है कि आप स्वर्गीय पिता को अपने जीवन में बुलाएं। You need to receive Jesus Christ as your personal savior and Lord. आपको यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, आपको यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करने की जरूरत है। And through Christ you will receive God as your heavenly father. और आप पिता परमेश्वर को अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बुला सकते हैं। Then also have Holy Spirit as your buddy, as your friend. और पवित्र आत्मा को अपने बड़ी के रूप में, पवित्र आत्मा को अपने सहायक के रूप में आपको बुलाने की जरूरत है। Also devote yourself to do the will of God and to fulfill God's given task. इसीलिए आप अपने जीवन को डिवोट करें, यानी कि एक भक्तिपूर्ण जिंदगी बिताएं परमेश्वर की उपस्थिति में और उसके काम को करने के लिए तत्पर रहें आप। And we need to reach the unreached people with the gospel. हमें जरूरत है कि उन लोगों तक पहुंचे जिन तक कभी भी सुसमाचार नहीं पहुंचा। So as we are blessed, they also need to be blessed. जैसे हम लोग आशीष पाए हैं, उन वो लोग भी आशीष पाए। Hallelujah. Hallelujah. Let me pray for you. मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। Dear Heavenly Father,
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड माय गॉड फॉर दिस वर्ड, हम इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। एंड टुडे वी लर्न दैट मैन डज नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, प्रभु आज हमने सीखा कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित नहीं रहता है, नीड मेनी अदर थिंग्स, हमें बहुत सारी बाकी भी जरूरत चीजों की जरूरत। लॉर्ड माय गॉड राइट नाउ आई प्रे फॉर ऑल दोस हु आर हियरिंग दिस मैसेज, परमेश्वर आज मैं उन सब लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लॉर्ड माय गॉड यू मेक ईच वन ऑफ देम your own sons and daughters of God, परमेश्वर हम मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप देखने वाले हर व्यक्ति को अपना बेटा बना लीजिए, बेटी बना लीजिए, heavenly father for them, आप उनके पिता बन जाइए, उनकी जिंदगी में पिता बनकर आइए, you bless them, oh Lord my, प्रभु ने आशीष दी, you stretch out your mighty hand upon them, उनके ऊपर अपना बलवंत हाथ बढ़ाए, and meet all their needs, उनकी जरूरतों को पूरा, hear their prayers, प्रार्थनाओं को सुने, hear their cries, oh Lord, जो चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, प्रभु उस दुआओं को आप सुनिए, bring healing to them, उनके उन्हें चंगाई उनके जीवन में, meet all their needs, हर जरूरतें उनकी, bring healing to their families, उनके परिवारों को चंगा करें परमेश्वर, Lord my God, you pour down your Holy Spirit upon them, परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर दे, so that they will have Holy Spirit as their buddy, ताकि पवित्र आत्मा उनके लिए एक बड़ी की तरह हो, उनके एक संगी साथी की तरह होने, Hallelujah. Thank you, Lord, my God. For being our heavenly Father. कि आप हमारे जीवन में हमारे स्वर्गीय पिता हैं। हम आपके नाम को धन्य करते हैं। Once again, O God, we commit each one of us, O God, into your mighty hand and care. परमेश्वर आज की इस सुबह हम सबको आपके पवित्र हाथों में समर्पित करते हैं। And in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. 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 Yeah, may God bless you. Thank you very much. धन्यवाद। Thank you.